हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज मिस्ड अबॉर्शन। इससे पहले की क्लास में हमने थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन एंड इनकम्प्लीट अबॉर्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम मिस्ड अबॉर्शन के बारे में पढ़ेंगे। मिस्ड अबॉर्शन को साइलेंट मिसकैरेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें फीटस डेड हो जाता है और पता भी नहीं चलता। जैसे इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले। व्हेन फीटस इज डेड एंड रिटेन इनसाइड फॉर ए वेरिएबल पीरियड्स ऑफ टाइम, मतलब क्या होता है कि फीटस डेड हो जाता है और वेरिएबल पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए यूट्रस में ही रह जाता है। इसमें कोई इंडिकेशन नहीं दिखाई देता है प्रेगनेंसी का, या फिर कोई अबॉर्शन का भी कोई इंडिकेशन नहीं दिखाई देता है। मदर को पता नहीं चलता है कि अबॉर्शन हो चुका है, फीटस डेड हो चुका है, ठीक है, क्योंकि और फीमेल भी अनअवेयर रहती है इसे, ठीक है। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग एब्सेंट रहती है या फिर मिनिमम अमाउंट में ब्लीडिंग होती है, जो ब्राउनिश कलर की होती है, ठीक है। देन सेकेंड है सबसाइड द प्रेगनेंसी सिम्टम्स। जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग वगैरह होती है, वो सब सबसाइड हो जाते हैं। देन यूट्रस की साइज भी डिक्रीज हो जाती है, मतलब यूट्रस की साइज इंक्रीज नहीं होती है, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। देन सिम्फाइसिस फंडल हाइट भी डिक्रीज हो जाती है। देन फीटल हार्ट रेट जो होती है वो नॉन ऑडिबल होती है, फीटल हार्ट रेट सुनाई नहीं देती, ठीक है। एंड उसके बाद में यूएसजी करके देखते हैं। यूएसजी में जो या तो फीटस डेड दिखाई देगा, ठीक है, या फिर कुछ सम पार्टिकल्स ऑफ जेस्टेशन के दिखाई देंगे यूट्रस में, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं इसके मैनेजमेंट। तो हम इसको मैनेजमेंट को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है प्रेगनेंसी लेस देन 12 वीक, उसमें क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले टेबलेट मीजोप्रोस्टोल वेजाइना के थ्रू पेशेंट को देंगे, ठीक है, जो कि वेजाइना के पोस्टीरियर फोर्निक्स में एंटर की जाती है, ठीक है। और उसको अगर उसे अबॉर्शन नहीं होता है, पार्ट जो होते हैं कंसेप्शन के वो नहीं एक्सपेल आउट होते हैं, तो इसको 24 आवर आफ्टर रिपीट किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में हम उससे भी अगर पार्ट्स नहीं निकलते हैं तो फिर सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है, जैसे कि डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, एंड डायलेटेशन एंड सक्शनिंग इवैक्यूएशन भी किया जाता है, जिसमें कि पेशेंट की सर्विस को डायलेट करके देन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को इवैक्यूएट कर लिया जाता है, ठीक है। देन सेकंड है प्रेगनेंसी मोर देन 12 वीक्स। इसमें हम क्या करते हैं कि मीजोप्रोस्टोल टैबलेट जो होती है वो हम वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करते हैं एवरी 4 आवरली, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम डोज हम 5 डोज तक ही दे सकते हैं पेशेंट को। देन जो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न भी हम दे सकते हैं, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न 10 टू 20 यूनिट ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूज़न हम स्टार्ट करते हैं 500 ml NS में एट 30 ड्रॉप पर मिनट, ठीक है। और फिर यूएसजी करके देखते हैं, अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, अगर मेडिकल मैनेजमेंट से अगर पार्ट ऑफ कंसेप्शन जो एक्सपेल आउट हो जाता है तो ओके है, और अगर नहीं हो पाता है तो सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में इसमें भी वही डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन किसको कहते हैं?
डेफिनेशन इसकी, एनी अबॉर्शन एसोसिएटेड विद क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड इट्स कंटेंट्स। ये इसमें क्या होता है, किसी भी टाइप के अबॉर्शन के की वजह से जेनाइटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना, ठीक है, और जेनाइटल ट्रैक्ट या यूट्रस या उसके सराउंडिंग्स एरिया का इन्फेक्शन होना, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमनली इनकम्प्लीट अबॉर्शन के साथ में ये एसोसिएटेड हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि अबॉर्शन एक इन्फेक्शन, सेप्टिक अबॉर्शन कैसे हो गया, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, ठीक है। सेकंड है कि पुरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है, और थर्ड है कि लोअर एब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस होता है पेशेंट को, ठीक है। अब इसकी इंसिडेंस रेट देखते हैं हम क्या होती है, तो इसकी इंसिडेंस रेट होती है 10 ऑफ द टोटल अबॉर्शन, ठीक है, 10% जो टोटल अबॉर्शन होते हैं उनकी 10% जो होता है वो सेप्टिक अबॉर्शन होता है, ठीक है। अब इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन देखते हैं, मोड ऑफ इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो देखते हैं, कि जो नॉर्मली जो वेजाइना में प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वही कॉमनली इसमें इन्वॉल्व होते हैं सेप्सिस में, ठीक है। और अगर प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ नहीं किया जाए तो भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, एंड देन कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो गई है जेनाइटल ऑर्गन्स की, जेनाइटल ट्रैक्ट की, तो उस वजह से भी इन्फेक्शन कोज हो सकता है, ठीक है। देन इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, इसमें मैक्सिमम जो इन्फेक्शन होते हैं वो 3 या 4 बैक्टीरिया मिलकर इन्फेक्शन कोज करते हैं, ठीक है, जिसमें ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड सम एनारोब्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, ई कोलाई एंड क्लेबेसिला, ठीक है। अब इसके देखते हैं कुछ क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले पेशेंट में पाइरेक्सिया देखने को मिलता है, फीवर 100, बॉडी का टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा को देखने को मिलेगा विद चिल्स एंड राइगर्स। एंड सेकेंड इज पेन इन एब्डोमन, ठीक है, एब्डोमन में पेन देखने को मिलेगा, फीटल हार्ट रेट एब्सेंट रहेगी इसमें, ठीक है, और पल्स रेट भी हाई हो जाती है 100 to 120 बीट पर मिनट, ठीक है। पुरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज होता है इसमें विद पल्स एंड येलो कलर का डिस्चार्ज होता है। देन इसमें मलेस, स्वेटिंग, हेडेक भी देखने को मिल सकता है। देन देखते हैं कि इसमें साइन ऑफ यूटेराइन परफोरेशन भी देखने को मिलता है, मतलब जो अगर यूटेराइन परफोरेशन हुआ है या फिर बाउल इंजरी हुई है उस वजह से भी अगर सेप्सिस हुआ है तो उसके साइन भी देखने को इसमें मिलते हैं। देन इसके बाद इसके देखते हैं क्लिनिकल ग्रेडिंग, की ग्रेडिंग के आधार पर कैसे इसको डिवाइड किया जाता है, तो इसमें 3 टाइप्स की ग्रेडिंग होती है। इसमें फर्स्ट ग्रेड में क्या देखते हैं कि फर्स्ट ग्रेड एक माइल्ड टाइप की होती है जिसमें कि इन्फेक्शन यूट्रस तक ही लोकलाइज रहता है, ठीक है, जो मेनली स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के साथ में एसोसिएटेड हो सकता है, ठीक है। सेकंड होती है ग्रेड सेकंड, फर्स्ट ग्रेड हो गई माइल्ड एंड सेकेंड इज सेकेंड ग्रेड इज मॉडरेट ग्रेडिंग,
जिसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है वो यूट्रस के साथ में सराउंडिंग्स एरिया में भी स्प्रेड हो जाता है, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब्स में, ओवरी में, या पेल्विक पेरिटोनियम में, या डगलस पाउच में। अब देखते हैं कि डगलस पाउच क्या होता है, कि जो पेरिटोनियम जो लेयर होती है वो यूट्रस एंड रेक्टम के बीच में आ जाती है, तो उससे एक पाउच का फॉर्मेशन होता है, तो उसको डगलस पाउच बोलते हैं। जैसे ये यूट्रस है एंड यहाँ से ये रेक्टम जा रहा है, तो इसके बीच में ये पेरिटोनियम का कवर हो रहा है, और यहाँ पे ये जो पाउच बनता है इसको डगलस पाउच बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। एंड देख, थर्ड ग्रेड ये सीवियर टाइप का होता है, इसमें इन्फेक्शन जनरलाइज हो जाता है, जैसे कि यूट्रस एंड उसके सराउंडिंग्स ऑर्गन्स के साथ साथ में अदर्स ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे लीवर, किडनी, ठीक है, पेरिटोनियम, एब्डोमिनल पेरिटोनियम। ठीक है, उसके बाद में इसके देखते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वाइकल या हाई वेजाइनल स्वाब लेंगे फॉर कल्चर टेस्ट के लिए, जिससे कि बैक्टीरिया का पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, जैसे HB, WBC काउंट, या फिर ABORH। ठीक है, फिर यूरिन एनालिसिस करेंगे फॉर कल्चर, एंड देन USG करेंगे, जिसमें कि कोई यूट्रस के अंदर कोई रिटेंट प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रह गया है, या फिर कितना इन्फेक्शन हो रहा है अंदर यूट्रस में, या फिर सराउंडिंग ऑर्गन्स को देखने के लिए, पेरिटोनियम को असेस करने के लिए, या फिर डगलस पाउच को देखने के लिए USG हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन होती हैं, तो कॉम्प्लिकेशन हम देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली कॉम्प्लिकेशन देखते हैं हम। अर्ली कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद में इंजरी ऑफ द यूट्रस एंड एडजेसेंट ऑर्गन, यूट्रस की इंजरी भी हो सकती है, और उसके यूट्रस के जो सराउंडिंग्स ऑर्गन हैं उनमें भी इंजरी हो सकती है। एंड देन जनरलाइज पेरिटोनाइटिस की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, एंड एंडोटॉक्सिक शोक भी देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होता है कि जो इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन जो पूरी बॉडी में फैल गया, अदर्स ऑर्गन में फैल गया है, उसकी वजह से जो BP में भी इंक्रीजमेंट होगा, और उन ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से एंडोटॉक्सिक शोक हो जाएगा। ठीक है, और एक्यूट रिनल फेलियर भी देखने को मिल सकता है। देन देखते हैं इसमें लेट कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, क्रोनिक पेल्विक पेन होगा पेशेंट को, बैकएक होगा, एंड क्रोनिक वीकनेस एंड इनफर्टिलिटी भी देखने को मिल सकती है पेशेंट को, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी देखने को मिल सकती है पेशेंट में, एंड पेशेंट में डिप्रेशन या साइकोटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ठीक है, देन उसके बाद में इसका देखते हैं मैनेजमेंट। सेप्टिक अबॉर्शन के मैनेजमेंट देखने से पहले हम इसके कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टू कंट्रोल द सेप्सिस को कंट्रोल करना, टू रिमूव द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का जो सोर्स हो रहा है उसको रिमूव करना, एंड असेस द रेस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट, कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका कितना रेस्पॉन्स हो रहा है, कितना पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसको असेस करना। ठीक है, उसके बाद में हम मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, तो
सबसे पहले हम पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड करेंगे, पेशेंट को एडमिट करेंगे, उसके वाइटल साइंस चेक करेंगे, उसके सैंपल्स लेंगे, ठीक है, सर्वाइकल और वेजाइनल स्वाब लेंगे पेशेंट का, एंड कुछ ब्लड सैंपल्स लेंगे पेशेंट के, एंड उसके बाद में फ्लूड थेरेपी स्टार्ट करेंगे। देन अगर ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो रही है पेशेंट को तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी हम कर सकते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन भी ट्रीट होगा और पेशेंट में अगर एनीमिया की कंडीशन है तो वो भी ठीक होगी। देन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं हम पेशेंट में। उसके बाद में हम देखते हैं आईवी एंटीबायोटिक्स, जिसमें सबसे पहले हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जिसमें एम्पिसिलिन या सिफेलोस्पोरिन हम दे सकते हैं, या फिर 4 ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के लिए हम सेफ्ट्रियाक्सोन या फिर जेंटामाइसिन हम दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में ग्राम पॉजिटिव के लिए हम पेनिसिलिन दे सकते हैं, एंड कुछ एनारोब्स के लिए हम क्लिंडामाइसिन एंड मेट्रोनिडाजोल भी दे सकते हैं, ठीक है। और फ्लूड थेरेपी, उसके साथ साथ फ्लूड थेरेपी स्टार्ट रहेगी, जिसमें NS या RL दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एंटी टिटनस सीरम भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद हम ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूज़न देंगे पेशेंट को टू कंट्रोल द ब्लीडिंग एंड एनहांस एक्सपल्सन ऑफ रिटेंड प्रोडक्ट, ठीक, कंट्रोल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, एंड जो प्रोडक्ट यूट्रस में रह गए हैं उनको एक्सपल आउट करने के लिए। देन इसके बाद में हम इसके कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस को रिमूव कर लिया जाता है, अगर यूट्रस में ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया है तो यूट्रस को इवैक्यूएट कर लिया जाता है। और ये यूट्रस का इवैक्यूएट हम कम करते हैं एंटीबायोटिक देने के 48 आवर्स के बाद में, ताकि इन्फेक्शन के फ्लेयरअप को अवॉइड किया जा सके, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड करते हैं प्रोसीजर कोल्पोटोमी। कोल्पोटोमी क्या होती है कि जो डगलस पाउच होता है उसमें से फ्लूड को ड्रेन करना। इसमें कैसे होता है प्रोसीजर की जो वेजाइना की पोस्टीरियर वाल है उस पर कट लगा के इन्फेक्टेड जो फ्लूड होता है डगलस पाउच में कलेक्ट होता है उसको ड्रेन कर लिया जाता है, देन वापस सूचरिंग कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड प्रोसीजर हम लैप्रोटोमी कर सकते हैं, जिसमें कि एब्डोमिनल वाल को कट करके और उसमें डायग्नोसिस पर्पस के लिए भी इसको किया जा सकता है, या फिर किसी प्रोसीजर या सर्जरी के लिए भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली हम मैनेजमेंट को कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि ग्रेड फर्स्ट जो होता है उसके लिए हम एंटीबायोटिक देंगे पेशेंट को, ग्रेड सेकंड मॉडरेट जो होता है उसमें एंटीबायोटिक के साथ में कोल्पोटोमी कर सकते हैं, ठीक है। और जो थर्ड होता है ग्रेड सेकंड सीवियर टाइप, उसमें एंटीबायोटिक प्लस कोल्पोटोमी प्लस अदर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम देंगे पेशेंट को।